नमस्कार किसान साथियों, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं अमरूद की और नींबू की वीडियो के बारे में, लेकिन मेरी मजबूरी थी। 4 अप्रैल को मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीनू त्यागी, जो अमेजिंग किसान की संस्थापक हैं, उनका देहांत हो गया और अब 14 तारीख तक मैं थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन समय का चक्र चलता रहता है, काम सभी करने पड़ते हैं। मैंने ये सोचा कि ये सही समय है और मैं लोगों को अमरूद के बारे में बताऊं। मुझे काफ़ी लोग लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग वीडियो नहीं देखते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि पूरी वीडियो देखिए। आज मैं बता रहा हूं कि इस अमरूद में आप देखिए कितना फलन आया हुआ है। ये देखिए, ये इलाहाबादी सफ़ेदे का पेड़ है और भरपूर मात्रा में है। जो हमने NPK 1260 का स्प्रे बताया था और इंसेक्टिसाइड का, उसका ये असर है कि सभी ये स्वस्थ हैं। और कहीं कहीं पर जो पत्ते खा लिए थे, ये देखिए कोई कीड़ा था अगर, वो भी ख़त्म हो गया है। ये जो इसमें ये दिखा रहा है, यहाँ पे ये भूरा रंग जो दिखा रहा है, जैसा जंग होता है, इसका मतलब है इस समय नहीं है, पहले था वो। अभी 5 दिन पहले मैंने इसमें अजा पावर जो है इफ़को का प्रोडक्ट है, नीम तेल, उसका स्प्रे किया था और उससे कोई भी मकड़ी या कोई भी चीज़ नहीं है। पत्ते बिल्कुल देखिए कितने चिकने हैं। कुछ लोग आते हैं कहते हैं आपके बाग में पत्ते बहुत साफ़ हैं। मैं बरसात की फसल ले रहा हूं और अब इसमें क्या कार्य करने हैं ये बताता हूं। आप देखिए इसमें फूल खिलने भी शुरू हो गए हैं, ये पहला फूल है। तो आपको ये निरीक्षण करना है कि आपके पौधों में कोई कीट नहीं है इस टाइम, और क्या फूल खिलने शुरू हो गए हैं। अगर ये इस तरह का लगभग सभी पौधों में फूल आ गए हैं, तो आपको NPK 05234 5 ग्राम प्रति लीटर, बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर, और एक प्रोपिकोनाजोल भी ले लीजिए, वो आप इसमें 1 ml प्रति लीटर कर सकते हैं। ये आपको किसी फंगस या उससे रोकेगा, जो एंथ्रोक्रोनोज की प्रॉब्लम आती है उसको रोकेगा। और ये सही समय है इसको पहली बार करने के लिए। एक बार हम और करेंगे जब फल बन जाएंगे। और इसके साथ में एक इंसेक्टिसाइड है जो एम्पलीगो है। एम्पलीगो बहुत अच्छा सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, आप उसको कर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सभी पौधों में फूल आ जाने चाहिए, पूरी मात्रा में नहीं, फूल शुरू हो जाने चाहिए। ये स्प्रे करिए। और अगर आप लगातार करते हैं, हर 5 दिन में कर रहे हैं या 1 हफ्ते में कर रहे हैं, तो नीम का तेल का भी स्प्रे करिए। आज मैं फिर इसमें एक नीम के तेल का स्प्रे कराऊंगा, जो कि कम मात्रा में होगा, 2 ml पर लीटर, वही अजा पावर का। और इसके दो प्रोडक्ट आते हैं इफ्को के, एक डॉक्टर नीम प्लस आता है, एक अजा पावर आता है। अजा पावर जो है वो केवल उसमें नीम का तेल जो एजरहेडीन है वो होता है तत्व, और जो डॉक्टर नीम प्लस है उसमें करंजी का तेल भी होता है, और आपका ये जो लेमन ग्रास है इसका भी ऑयल होता है, उसकी अधिक पावर है, उसको भी आप कर सकते हैं इसमें। इस प्रकार आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, फूलों की रक्षा होगी, कोई कीट नहीं आएगा, ये करेंगे। दूसरी समस्या जो अधिकतर मुझे पूछ रहे हैं कि जो पीछे बारिश हुई है काफ़ी जगह पर, ओले पड़े हैं, तो उससे जो लोग सर्दियों की फसल लेना चाहते थे वहाँ पर काफ़ी कल्ले निकल गए हैं। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि अगर आपके बाग बड़े हैं और कल्ले निकल गए हैं, तो आप उसमें यूरिया का स्प्रे करें। 15% यूरिया लें कि 100 लीटर पानी में 15 किलो यूरिया घोलिए, और फिर जब टंकी में डालेंगे उसे, तो एक 20 लीटर की टंकी में एक शैम्पू का पोच या 2 शैम्पू के पोच रखेंगे तो अच्छा होगा, उससे वो अच्छी तरह चिपकेगा। और उससे पौधे को नहला दीजिए, स्प्रे करिए। अगर आवश्यकता पड़ी तो इसे 10 या 15 दिन बाद फिर कर सकते हैं। जो सर्दियों की फसल है, जो लेना चाहते हैं, उसके बाद कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग का समय मई के पहले हफ्ते से लेकर 15-20 जून तक होता है। तो ये समय समय के स्थान स्थान पर निर्भर करता है कि एक जगह पर आप मई के पहले हफ्ते में भी कर सकते हैं, थोड़ी फसल जल्दी आएगी, आप 15 मई के बाद भी कर सकते हैं, आप जून के पहले हफ्ते भी करते हैं। इसका निर्णय आपको लेना है कि आप कब फसल करेंगे, मैं एकदम से नहीं बता सकता। तो ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति, जो कि बहुत ही आवश्यक थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें जितनी देर करूँगा उसमें किसानों का नुकसान होगा। सभी भाइयों के इस दौरान मैं प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका,
तो कुछ के प्रश्न अधूरे होते हैं, इतना समय नहीं है कि मैं उनसे 10 बार बात करूं। जिनके प्रश्न पूरे थे उनके उत्तर भी देने की कोशिश की, अगर फिर भी किसी भाई को असंतुष्ट हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।